गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर व्लॉग्स। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सौम्या शर्मा ऑफिशियल में। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पटना छठ पूजा के लिए और दीदी का ससुराल जा रहे हैं। तो मेरे साथ मेरे पापा हैं और मैं जा रही हूँ और देखते हैं कब आते हैं वापस। लाइक ऐसे तो मेरे पापा मेरे साथ ही जाने वाले थे, लेकिन बेसिकली क्या हुआ ना कि जो हमारी छोटी वाली फुआ जो आप लोगों को वीडियो में हमेशा दिखाई देती होगी वो डेट कर गई हैं। इसके वजह से मेरे पापा नहीं जाएंगे, मतलब वहाँ पर सिनेमा हॉल जो है ना वहाँ पर मुझे छोड़कर और वापस आ जाएंगे पापा घर। तो उसके बाद फिर जीजू आएंगे शायद या उनके घर से कोई आएंगे तो मुझे रिसीव कर लेंगे। ऐसे तो बहुत ही अफसोस हो रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छी इंसान थी वो और हमारी वीडियोस में काफ़ी आप लोग देखे होंगे। तो चलिए आगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ पटना जाएंगे कैसे क्या करेंगे। आवाज है नहाई खाई छठ पूजा का तो क्या होता है क्या नहीं आप लोगों को सब वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहे। दोस्तों हम लोग आ गए हैं गांधी मैदान और जैसा कि आपको पता ही है गाड़ी में होता है मेरा तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा और अभी भी वैसा ही सिचुएशन है, उल्टी पल्टी करके आए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं पटना के सिनेमा हॉल और अभी मिठाई वगैरह ले लिए हैं। ये देखिए मेरा लगेज, तो मेरे पापा अभी दे रहे हैं भाड़ा उसको जो हमको लाया है, अरवल का ही है वो भैया। तो हम लोग बैठे हैं और मेरा हालत बहुत ख़राब था एक्चुअली, बहुत सुबह सुबह आए हैं हम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा सुबह सुबह, इसलिए हवा चलने के कारण नानी बोली थी कि स्वेटर वगैरह पहन लो, ऐसे तो कोई स्वेटर पहना नहीं है तो मैं पहनी हूँ क्योंकि मुझे ना काफ़ी दिनों से बुखार या फिर ख़त्म हो जा रहा है फिर फीवर लग जा रहा है, मतलब तबीयत ख़राब ही चल रहा है, इसलिए रिक्स नहीं ले सकते, ठंडा का टाइम चल रहा है इसलिए। और यहाँ पर मेरे को पापा छोड़ देंगे और चले जाएंगे वापस घर क्योंकि पापा को छूत लगेगा दोस्तों, मतलब ऐसा पंडित जी को हम लोग दिखवाए थे और वहाँ से भी कॉल आया था हमारे लिए रिलेटिव्स में कि हम लोग जा सकते हैं कि नहीं क्योंकि हमारी फुआ जी का डेट हो गया आपको पता ही है, इसलिए जा सकते हैं कि नहीं। तो पंडित जी बोले कि मेरा में छूट नहीं लगेगा, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या मेरा में छूट लगेगा कि नहीं, ठीक है। और मेरे अभी भाई भतीजा में लगता है, मतलब पापा में, और मेरे भाई नहीं जा रहा कहीं छठ पूजा में और मैं जा रही हूँ पटना। हमारा दोनों का प्लान था दोस्तों कि मैं और पापा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो गया इसलिए पापा नहीं जा पा रहे, बहुत अफसोस लग रहा है थोड़ा सा। जीजू आ गए दोस्तों लेने के लिए। नमस्ते जीजू, क्या मंदिर से आ रहे अभी? अच्छा तो आज मंगलवार है तो मंदिर जाते हैं हमेशा, जाते हैं हम लोग फिर, ठीक है पापा हम लोग चलते हैं। ठीक है बाय, पहुंचिए तो कॉल कीजिएगा। देखिए दीदा जी मिलती है, हेलमेट लगा लेते हैं कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। पहुंच गए हैं, मतलब मैं पहुंच गई हूँ, पापा चले गए हैं अब पहुंचेंगे तब। आइए मेरी बहन देखिए भाग रही है आप लोग से मिलवाएंगे थोड़े अच्छे से और क्या बात करना है क्या नहीं वो तो ब्लॉग में और आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। दीदी दीदी हाय बोलिए। और ये आगे है दोस्तों मेरे लिए नाश्ता, लेकिन इतना कुछ खाएंगे नहीं, मैं दीदी और सब मिलकर खाएंगे हम लोग। हाँ हाँ क्या बोले दीदी, पटना लोग फेमस, पटना में ही तुम फेमस हो गई। हाँ हाँ पूरा ये बच्ची बहुत प्यारी लगी मुझे, ये मौसी की लड़की, मौसी जी की लड़की है ये। और ये आप अब भी मौसी जी की लड़की है ना?
और ये भी है, दीदी जी की एंगेजमेंट में आई थी, और इनको ये तो मेरी मम्मी जी, देखिए मेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरी दो दो माँ भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज। और देखिए इतना सारा नाश्ता निकाल दिया, बोलते रहे खाओ, इतना हम खुद अकेले खाएंगे बताइए, तो इसलिए बोल रहे कि खाइए खाइए। जीजा जी भी भाग रहे, पल्ला झाड़ रहे हैं, देखिए जीजू को, जीजा जी खाइए, जीजा जी शर्मा गए क्या? मम्मी आप खा लिए? अच्छा, छठ पूजा का आज प्रसाद बना हुआ है दोस्तों, ये कद्दू और मिर्ची का पकौड़े है दोस्तों, और ये भी अगस्त का फूल का है, और ये दाल है, ये सब्जी है। आप लोग ज्यादा पसंद है फूड रेसिपी देखना मेरे ब्लॉग में, इसलिए ज्यादा कर आप लोग को दिखाते हैं। और इधर देवर जी, जीजा जी सब खा रहे दोस्तों, और मम्मी खा ली है अभी। अरे कुछ बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहे, बोलो कैसा बना खाना, प्रसादी है जो भी हो अच्छा है ना? हाँ यही बोलो, अच्छा है, ठीक है, आप लोग खा लीजिए। तो बहुत ही अच्छा काम किए हैं आज, मतलब कि मम्मी जी का बहुत हेल्प हो गया है दोस्तों। मम्मी जी की बहन आ गई हैं, मौसी जी, और मौसी जी बहुत ही अच्छे तरीके से, आप लोगों को पता ही है ये छठ नहीं बोला जाता है, ये छठ महापर्व बोला जाता है, और शुद्धता इसका पहचान है दोस्तों। और बहुत ही सुबह से लगकर बहुत ही अच्छा से काम किए हैं, हम आए तो देख रहे थे पकौड़ियाँ तल वगैरह रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये भी काम किए हैं, सब काम किए हैं, मिलजुल कर सब काम किया है। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, तो मैं पहुंच गई थी बहुत पहले ही, लेकिन नहा ली थोड़ा सा, और नहाने के बाद मतलब कि थोड़ा सा लेट हो गया था, मम्मी जी और सारे जो है मौसी जी सब मिलकर काम कर लिए थे, तो मैं आप लोग को पूरा अच्छे से दिखा नहीं पाई, जैसे रेसिपी कैसे बना या कुछ भी, कोई बात नहीं, कल से पूरा मतलब सब कुछ सोचूंगी कि आप लोग को दिखाऊं, क्योंकि महापर्व है ये, आप लोग भी पता है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे साथ बैठ गई हैं हमारी दीदी जी, और ये छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है, बहुत ही अच्छी है, बहुत स्वीट है, मेरी ट्वीट सी तो एकदम तहलका मचाने वाली है आपको पता ही है, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा शर्माती है तो लेकिन जो भी हो बहुत ही अच्छी है, स्वीट मतलब कहते हैं शांत बच्चा वैसा है। और बहुत सारे लेडीज लोग काम के कहते हैं ना कि लेडीज काम नहीं करते, चाहे जो भी बोलते हैं, देखिए हमारे घर की महिलाएं कितना ज्यादा काम कर रही है, मौसी लगेंगे फूल, हाँ मौसी फुआ दादी मतलब जितने भी लेडीज हैं सब मिल गए हैं। और इतना टेस्टी, सच बताऊं तो इतना टेस्टी खाना बना ना, क्या बताओ, मतलब छठ पूजा का सच में बनता ही है, हमेशा बनता है, बहुत ज्यादा ही टेस्टी बना है ना मौसी दीदी, तो पापा जी का दादी है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, जब बुजुर्ग घर में रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है, घर परिवार बहुत खुशहाली भरा रहता है, इनसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी मिला। गजब, हे भगवान, ये देखिए दोस्तों, इतना सारा कैसे आ गया, मंदिर पड़ा, अच्छा तो सब उसका बेचारी का बर्बाद ना होगा, हट हट, इतना मेहनत, सब बर्तन धुआ रहा है यहाँ पर, बहुत ही चीज हो रही है, हम बोले थे मदद कर दे, लेकिन अकेले देखिए सब साफा चढ़ करवा दिए, एकदम सब खाना वाना खा लिया है, बर्तन धुआ रहा है अभी, तो छत पर आ गए हैं दोस्तों, देखिए टॉप फ्लोर पर, और हमारे साथ बहुत ही क्यूट और सुंदर है, क्या नाम है आपका, रोमा रोमा नाम है,
और मेरा जीजा जी के बहन लगेंगी, चचेरी नहीं फुफेरी लगेगी बहन। और मेरा जीजा जी का घर से कितना सुंदर व्यू है देखिए, यहाँ रील्स बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा, सच बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और हम लोग कहाँ जाएंगे आज? आज हम लोग पूरा गांव घूमने, आज हम लोग प्लान है गांव घूमने का। इधर करो, इधर लाइट अच्छा आ रहा है। तो हम लोग जाएंगे आज गांव घूमने का, ये है ना गांव घुमाएगी मुझे, ठीक है। इसके लिए जीजा जी से परमिशन लेना पड़ेगा, ये बोल रही है जीजा जी से परमिशन लेना पड़ेगा तभी जाएंगे। देखते हैं परमिशन देते हैं कि नहीं, ठीक है। परमिशन लेके चलेंगे हम लोग गांव घूमने, अब आप लोग को भी दिखाएंगे और आप ब्लॉग में बने रहें। अगर ब्लॉग पसंद आए तो क्या करना आपको पता ही है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। बेल आइकन घंटी को दबाना नहीं भूले, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और ये भी बहुत ही क्यूट और सुंदर बच्ची है, और जो कि बहुत ज़्यादा साई है, ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन जो भी बोलती है बहुत अच्छा बोलती है। ये देखिए दोस्तों, चाय लवर को चाय मिल गया है शाम को, बहुत ही इंतजार करने के बाद। यार चल गया, हम चाय नहीं पीते, जो चाय पीते ले लीजिए। चाय पार्टी हो रहा है, हाँ यहाँ पर शाम होने वाला, शाम से पहले ही हम लोग को चाय मिल गया। ये देखिए शाम से पहले ही, ये चाय लवर है देखिए, जो कि कैमरा में हमेशा शर्माता, लेकिन बार बार कैमरे में इसको आना है। हाँ <नहीं था। laughs> निशांत लाया है मिठाई दोस्तों, हम मिठाई वाले, मिठाई वाले लो, थोड़ा सा लिया, पूरा खाओ। देखिए जबरदस्ती खिला रहा अब निशान का शादी हो जाएगा, बाल बच्चेदार हो जाएगा, तो भी ये वीडियो देख सकता है ना निशान। देखिए हमको निशान ने मिठाई दिया, सबको मिठाई बांट रहा, मिठाई लेकिन सॉफ्ट है, अच्छा लग रहा है। दादी को मिला, ससुराल से है, दादी को मिला। तो दोस्तों काफी ज्यादा रात हो गया और ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है। अब आप लोग को कल ब्लॉग देखने को मिलेगा, अब घूमने नहीं गए दोस्तों, अब कल जाएंगे। दीदी बोली कि कल जाना, बहुत थक भी गई हो, और दीदी यहाँ पर बना रही है खाना, अब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। अभी तो कुछ काम नहीं की हूँ, लेकिन काम करूंगी अगर मुझे टाइम मिल गया तो।